जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, MPPSC 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। देखिए, दिनांक 22/12/2021 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि करीब 9 फरवरी 2022 इसमें दी हुई है। ये प्रारंभिक परीक्षा जो आपका पहले शेड्यूल आ चुका है 24 अप्रैल 2022 को दिन रविवार को होगी। ठीक है, पहला पेपर जो है आपका 10 o'clock 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सामान्य अभिरुचि परीक्षा जिसको पेपर टू कहते हैं वो 2:15 से 4:15 तक होने वाला है, जो अभी तक चलता था। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ें अगर तो लिखा है इसमें राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा दो लगभग दोनों एक ही दिन होती है, तो दोनों आयोजित की जाएंगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र से राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाएं हेतु विकल्प साधारणी पूर्वक चयन कर, मतलब आप दोनों एग्जाम भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल एग्जाम भी दे सकते हैं। चयनित विकल्प के अनुसार ये अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदक पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया, मतलब एक बार आपने फॉर्म भर दिया फाइनल, उसके बाद सुधार का टाइम भी आपको दे दिया गया, तो उसके बाद कुछ भी आप लेटरबाजी करते रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद क्या देखिए, लिखा है राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा भी एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, जिसमें आपका एक ही पेपर जैसे आपको पता है, लेकिन इसमें दोनों पेपर के जो मार्क्स होते हैं वह काउंट होते हैं। ठीक है, इस संबंध में आयोग का 2021 का विज्ञापन भी आ चुका है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी तरह किसी प्रकार का मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। ठीक है, उपयुक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड या इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क जो होते हैं आप वहां जाके नगद स्वीकार करके भर सकते हैं, या अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच कर सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आप नगर परीक्षा शुल्क अगर पेमेंट डन लिख के नहीं आ रहा है, और परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 10/1/2022 इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए 10/1/2022 को दोपहर 12 बजे से 9/2/2022 में 9 फरवरी तक भरे जा सकेंगे, इसके पश्चात यह लिंक बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के सुधारों पर जांच कर लें, ऑनलाइन आवेदक पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य 15/1/2022 मतलब 15 जनवरी से आपको टाइम दिया जाएगा 11 फरवरी तक का, उसमें आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपसे ₹50 का त्रुटि सुधार शुल्क माना लिया जाएगा। ठीक है, जो आप MP ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क की सेवाओं से कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदक पत्र में आवेदकों द्वारा भरी गई श्रेणी वर्ग मतलब अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिंग महिला पुरुष दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक शासकीय सेवक जन्म तिथि आदि के आधार पर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरी है उसके हिसाब से ही, अगर आपने गलत भरी है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा 24/4/2022 को 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS ईमेल द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र करीब 15/4/2022 से जो आपकी ऑफिशियल साइट है www.mponline.gov.in और mppsc.nic.in पे उपलब्ध करा दी जाएगी। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट मतलब इस पे ही आएंगे, इसके अलावा किसी पे नहीं, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार के माध्यम से प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पे ईमेल तथा SMS द्वारा आवश्यक सूचना होने पर सूचना दी जाएगी। कुछ भी चेंज होता है तो आपको भेजा जाएगा। आवेदक आवश्यक सूचना है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ही विहित स्थान पर अपने ईमेल पर तथा मोबाइल फोन को का अवश्य उल्लेख करें। आपको मोबाइल नंबर भरना बहुत जरूरी है और ईमेल डालना, जिससे आपको
कोई भी नोटिफिकेशन आयोग द्वारा होगा वो दिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करते रहें। राज्य सेवा परीक्षा 2021 से सभी स्नातक उत्तीर्ण तथा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है और रोजगार कार्यालय में इनका पंजीयन होना चाहिए, मतलब रोजगार कार्यालय में इनका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम बात करें तो चयन परिणाम के लिए कंप्यूटर त्रुटि चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी जिस पे आई है, तो 2021 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं भर्ती कॉलेज में आवेदन पत्र आवंटित किए गए हैं और वर्गवार अगर सीमा की देखा जाए तो चलिए देख लेते हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं, जो आपकी राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष जो होता है आप लोग डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, इसकी टोटल 27 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 8 आई है अनरिजर्व कैटेगरी की, 4 SC कैटेगरी की, 5 ST कैटेगरी की, 7 OBC कैटेगरी की, 3 EWS कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो महिला अभ्यर्थी है तो अलग वैकेंसी आई है, 3 आई अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 SC कैटेगरी की, 2 ST कैटेगरी की, 2 OBC कैटेगरी की और 1 EWS कैटेगरी की। उसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए कोई वैकेंसी जिस पे दिखाई नहीं गई है अभी तक, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जन है तो आपकी OH के लिए 1 वैकेंसी आई है और MD के लिए 1 वैकेंसी आई है। टोटल 27 वैकेंसी आई है आपकी ये डिप्टी कलेक्टर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें DSP के लिए जो आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो पुलिस अधीक्षक के लिए इसमें 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए आई है, 2 SC के लिए आई है, 3 जो वैकेंसी ST के लिए, 4 OBC के लिए, 2 EWS के लिए आई है। उसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए 1-1 वैकेंसी आई हुई है और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है और ना ही आपका दिव्यांगजन हेतु है, तो 15 वैकेंसीज आपके DSP की आई है। उसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग के लिए अगर हम बात करें तो कर अधिकारी में आपकी ST के लिए 1 वैकेंसीज है और OBC के लिए 1 वैकेंसीज है, मतलब टोटल 2 ही वैकेंसीज आई हुई है। उसके बाद जिला पंजीयक की अगर बात करें तो ST के लिए 1 वैकेंसीज है और टोटल 1 ही वैकेंसी है। उसके बाद सहायक संचालक की अगर बात करें तो 6 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 3 SC के लिए, 4 ST के लिए और 5 वैकेंसीज आपकी आई है जो OBC के लिए और 2 वैकेंसीज आई है आपका EWS के लिए, 2 और इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी जो महिलाओं की बात करें तो 2 अनरिजर्व के लिए, 1 SC के लिए और 1 ST के लिए, 2 OBC के लिए और 1 EWS के लिए आई है। और यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए 1 वैकेंसी आई है HH के लिए, जो टोटल 20 वैकेंसीज है। उसके बाद बात करें सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था में, इसके लिए 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी SC के लिए और OBC के लिए 2 वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए, टोटल 6 वैकेंसीज हैं। इसका श्रम पदाधिकारी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 2 हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए बात करें तो टोटल इनकी वैकेंसीज 13 है, ठीक है। विकास खंड अधिकारी के लिए अनरिजर्व के लिए 4 है, SC के लिए, OBC के लिए, ऐसे करके वैकेंसी टोटल 14 वैकेंसी आई है। तृतीय श्रेणी का कार्यपालिका में देखें तो राजस्व विभाग जो टैक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें नायब तहसीलदार की 11 वैकेंसी है, मतलब अनरिजर्व के लिए टोटल 43 वैकेंसी आई है नायब तहसीलदार के लिए। सहायक श्रम पदाधिकारी के लिए 2 वैकेंसी आई है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए 5 वैकेंसी आई है और उसके बाद अगर बात करें वाणिज्य कर निरीक्षक के लिए तो 20 वैकेंसी आई है और उप पंजीयक के लिए 6 वैकेंसी आई है, सहकारिता निरीक्षक के लिए 18 वैकेंसी आई है और मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए 87 वैकेंसी आई है। टोटल वैसे वैकेंसी 283 आई है, जिसको बढ़ाने की बात कही जा रही थी कि 300 वैकेंसी के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया था लेकिन 300 वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप वैकेंसी जो है बढ़ाई घटाई जा सकती है, ठीक है। इसके बारे में बात करें जो आपके लिए जरूरी है वही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ठीक है विज्ञापन, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। विज्ञापन तिथि आपकी 22/12 को है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 9 फरवरी खत्म हो जाएगा। त्रुटि सुधार आपका 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, 11 फरवरी खत्म हो जाएगा और प्रवेश पत्र जो आपकी 15 अप्रैल से आएगा, 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है। प्रवेश पत्र में परीक्षा की जानकारी आपको 15 दिन पहले आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भर जाएगा आपको पता है, त्रुटि सुधार के लिए जो टाइम दिया गया आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा तो कोई जरूरी चीज जो हम वही बात करेंगे, परीक्षा योजना की बात करें, मुख्य परीक्षा देखिए मुख्य परीक्षा तो उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रयोग निष्पक्ष OMR पे आधारित
आपकी होगी। और सेवा पदक विभिन्न प्रयोगों के उपयोग के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा लिखित विवरणात्मक साक्षात्कार और व्यक्तिगत परीक्षा योजना जो है राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। मुख्य परीक्षा है तो आवेदन के चरणों में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी वस्तुनिष्ठ होती है, ठीक है, और उसके बाद आपका लिपिक लिखित विवरणात्मक होती है दूसरा, और साक्षात्कार होता है, ये आपको पता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए सवालों के पेपर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर कुंजी, आपको 7 दिन का आपको अवकाश टाइम दिया जाता है। उसमें आपत्ति के लिए आपको प्रति प्रश्न 100 रुपये आपका आपत्ति के लिए लगता है, तथा पोर्टल शुल्क आपका 40 रुपये अलग से होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो ये चीज हमको जानना जरूरी है, प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर सूचित जे विकल्प उत्तर गलत दिया गया और विकल्प को मान्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी अनुवादों में भिन्नता के स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद को माना जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए विकल्प में एक सही सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए विकल्प से एक उत्तर सही ना हो तो प्रश्न पत्र में विलेपित किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यर्थियों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए टोटल इतना 52 शहरों पे, 52 जगह पे आपका सेंटर के लिए बात की गई है, ठीक है, जहाँ एग्जाम होंगे। उसके बाद हम शहर के अंदर बंटे देख ली, ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो सिंपल वही है, जिन्होंने स्नातक कर लिया हो, स्नातक स्नातक के बराबर कोई परीक्षा या लास्ट ईयर स्नातक में हो, ठीक है, वो भर सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति के पास व्यावसायिक या तकनीकी अर्हता हो जो राज्य सेवा द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक तकनीकी उपाधि के समकक्ष हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र हैं, ठीक है। आपका जो गैर वर्दीधारी पद है जिसमें वर्दी नहीं पहनी होती, उनकी 40 वर्ष उम्र है, और वर्दीधारी पद है जो 33 वर्ष, DSP तक आप 33 वर्ष तक ही बन सकते हैं। आयु की जो गणना 1/1/2022 के हिसाब से होगी, ठीक है। उसके बाद शारीरिक मापदंड ना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो बाहर की बात है। और ठीक है, आयु सीमा में छूट जो आपको मिलेगा वो आपको पता है कि अगर आप इसमें आपके अनुसार आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, नगर सैनिक दिव्यांगजन महिला हैं, तो आपके लिए 5 वर्ष की मैक्सिमम छूट दी जाती है, और अधिकतम जो होगी वो 45 वर्ष ही रहती है, ठीक है। वर्दीधारी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है और 38 वर्ष मैक्सिमम रहती है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़े, प्रोत्साहन स्वरूप कुछ छूट दी जाती है, वो उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं जितना इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे आज इसकी तैयारी स्टार्ट भी कर दी गई है, ठीक है, तो आप प्लीज जाके लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ खास देखते हैं, कुछ अगर दिया है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। फी आपके लिए जो बताई गई है सभी मध्य प्रदेश के से सर्वश्रेष्ठ, मतलब आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये फीस है, बट जो अन श्रेणी मतलब जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी जो उनके लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो आपको बता दिया गया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। BPSC कैफे से आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या कियोस्क जो होते हैं आप उसके थ्रू के कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप फॉर्म भरते हैं तो आपको काफी पता है इसमें कुछ इतना वाले, आप अगर MPPSC के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको पता होता ही है, ठीक है। आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो जो जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मुख्य परीक्षा चलिए बाद की बात है, इसमें के लिए बाद में बात कर लेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। और वो मार्कशीट के बारे में लिखा हुआ है, वो आपके काम का कुछ नहीं है, तो कुछ गलती मत कीजिएगा, कैसे भरना है वो आपके पेपर में भी दिया रहता है, एग्जाम के पहले आप लोग बिल्कुल देखते ही होंगे। तो दोस्तों बात ये है कि MPPSC का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, एग्जाम भी हो जाएगा, अभी आपका 2020 का रिजल्ट और 19 का रिजल्ट भी आ जाएगा विदिन 3 वीक, मुझे लग रहा है जहाँ तक ये आ जाएगा। तो इससे पहले हमने यूनिट 7 स्टार्ट की है, अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि तैयारी में जुट जाए, एग्जाम के चक्कर में ना पड़े, रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े, आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि MP का सब कुछ सही से नहीं चल रहा है,
बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं एक प्रोसेस में, आपके 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो पूरी तरह से जुड़ जाएं, और जैसा भी आपको लगे हमें कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट हो आप हमको बताने की कोशिश करें, हम उस पर पूरा वीडियो बनाएंगे और आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा आपको लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।